एक्सरसाइज 1.2 का, 8th क्लास का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। निम्नलिखित संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं संख्या रेखा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1 × 3/4, 4 × 4, 4 × 3, 7। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो है किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो नंबर लाइन पर खींच लेते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, और जैसा कि हमको पता है कि लेफ्ट साइड में मान लेते हैं ये है निगेटिव साइड, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव साइड है, और ये ज़ीरो है तो वन है, ज़ीरो और वन, वन आता है, फिर टू आता है, फिर थ्री ऐसे करके आता है। तो वन तो दिया ही गया है, उसके आगे हमको बढ़ाना है। तो नीचे फोर दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम ध्यान देंगे हर को, तो इसको हम इधर वन लिख लेते हैं और इधर टू लिख लेते हैं। और इसको हमको नीचे फोर दिया गया, इसको फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर हम बांट देंगे। तो फोर पार्ट में बांटने के लिए हम इसमें तीन लाइन खींचेंगे, 1, 2 और 3, तो हो गया 1, 2, 3, 4। और इसमें भी वैसे ही करेंगे, 1, 2, 3, और इधर हमारा एक था ही। तो अभी हम ध्यान दें अगर, तो देखेंगे कि अगर हमको वन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इधर हमको चाहिए 8/2, ये कट हो जाएगा तो हमको ये 8/4, तो इधर से हमको ये 4 × 2 = 8 मिल जाएगा। तो इधर हमारा 0/4 चाहिए, तो इससे आगे हम बढ़ाते जाएंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 है ही, 5/4, 6/4 और ये 7/4। और हमको किसको रिप्रेजेंट करना था, किसको निरूपित करना था, 7/4 को। 7/4 हमारा कहाँ पे आया है, यहाँ पे। इसको हम कोई भी नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे, और इधर लिख देंगे ए इज 7/4, मतलब कि ए जो है, पॉइंट ए जो है वो 7/4 है। आगे अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और देखते हैं दिया गया क्वेश्चन। तो माइनस में है इसमें, तो माइनस साइड में आएगा, तो हम पहले नंबर लाइन खींच लेते हैं, ये है नंबर लाइन, और माइनस में दिया गया तो हमारा जीरो इधर है और पॉजिटिव ये इधर हो जाएगा और निगेटिव इधर आता है। तो इधर -1, -2, -3 ऐसे करके जो है हमको 6 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। अगर हमको 1 चाहिए, -1 अगर चाहिए हमको, तो 6/-6/6 चाहिए तो हमको 1 मिलेगा। तो इसको हमको 6 दिया गया, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 लाइन इसमें खींच देना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और इधर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब हमको इधर से बाएं साइड में इसको हमको इधर से लेकर इधर खींचना है, लिखना है नंबर, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। और हमको चाहिए क्या था, किसको रिप्रेजेंट करना था, -5/6 को। तो इसको हम इधर इसे, इसको भी कोई नाम दे देंगे, ए बी सी डी कुछ भी, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स, लिखेंगे एक्स इज -5/6, ये जो है हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो -2/11, -5/11 और -9/11 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको देखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर दिया गया है हर है वो समान है। तो इसमें एक नंबर लाइन ऐसे खींच लेंगे हम, और माइनस में दिया गया तो इधर हम 0 रखेंगे, और 11 दिया गया है तो हमको, जब हमको 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको -11/-11 करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे 1 मिल जाता है। इसको हमको इसे 11 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 लाइन खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसका 11 पार्ट हो गया है। इधर से हम लिखना चालू करेंगे, -1/11,
माइनस 2/11 माइनस 3/11, ऐसे करके हम इसको पूरा लिख लेंगे। इधर कामा कामा भी लगाते जाएंगे जिससे कि ये अलग हो जाए नंबर। -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11। तो हमको चाहिए क्या, पहला है हमारा -2/11 -5/11 और -9/11। ये तीन हमको इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इसमें हमको इधर कोई नाम देते हैं ए बी सी, तो लिखेंगे ए इज -2/11, बी इज -5/11 और सी इज -9/11। इस तरह इसको भी हम जो है रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पर, इसको इसको हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे जो है ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखी लिखना है जो कि 2 से छोटी हों। तो पांच परिमेय संख्याएं हम 2 से छोटी संख्या हम इस तरह लिख सकते हैं जो 2 से छोटी है। माइनस वाले में अगर सब लिख देंगे तब भी चलेगा क्योंकि माइनस जितनी संख्याएं हैं सब 2 से छोटी हैं। तो हम रेशनल नंबर में लिख देंगे 1/2, 1/3, 1/4 और माइनस में भी चले जाएंगे -1/2, कुछ भी ऐसे जितने भी माइनस संख्याएं हैं सब जो है वो 2 से छोटी हैं। इस तरह हम जो है पाँच लिखना था, पाँच हम इस तरह इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 और 1/2 के मध्य जो है हमको 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको इसका हर बराबर नहीं है, इसका हर बराबर कर लेंगे तो -2/5 और इधर लिख लेंगे 1/2। इसके हर से इसमें गुणा कर लेंगे दोनों में और इसके हर से ऊपर इसमें गुणा कर लेंगे। इधर गुणा करके इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले, 2 × 2 = 4, मतलब इधर माइनस है इधर हम इसको माइनस लगा देंगे और 5 × 2 = 10। आगे है इधर इसमें हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही गुणा कर लेंगे, 5 × 5 = 5 और 5 × 2 = 10। अभी इसमें हमको क्या हो गया कि दो नीचे दोनों हर मिल गया, लेकिन अगर हम इसको नंबर लाइन पर सेट करते हैं -4 और 5 के बीच में, हमको 10 रेशनल नंबर का ज्ञात करना है तो क्या करना है, हमको इधर ऐसे ही नंबर लाइन होती है, इसमें हम मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिए हैं और इधर -4 लिख दिए हैं, तो -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 4, क्योंकि 5 तो है ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही, 8 ही संख्या हमको मिल रही है, लेकिन हमको निकालना कितनी है 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल कर लेंगे दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों जो है 2 से गुणा कर लेंगे। इसका डबल कर लेंगे तो इधर 4 × 2 = 8 हो जाएगा और इधर 10 × 2 = 20 हो जाएगा। इसमें भी 5 × 2 = 10 और इधर 20। अभी -8 और -8/20 और 10/20 के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, जैसे -7/20 -6/20 -5/20 ऐसे जो है हम लिखते जाएंगे, 20 इसमें भी ऐसे लिख लेंगे, ऐसे पूरा करके हम 10 नंबर रेशनल नंबर 10 परिमेय संख्याएं हम इसको ज्ञात कर लेंगे। और 0 भी आता है, 0 भी उसके अंदर आ जाता है। एक अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लेते हैं। इस तरह करके हम 10 लिख लेंगे, कोई भी जो कि इससे कम हो और इससे ज़्यादा हो, 9 इधर हम ऐसे करके 9/20 तक इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इधर 10 तो दिया ही गया है। इस तरह करके हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सबके बीच में जो है हमको 5 5 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहला देख लेते हैं, वैसे ही करना है, पहले इसके हर को हम समान कर लेते हैं, 2/3 और इधर 4/5। इससे इसमें गुणा करेंगे तो इधर 5/5, दोनों ऊपर नीचे दोनों करते हैं
और इससे इसमें कर लेंगे 3/3, गुणा कर लेते हैं, 5 दुनी 10 और इधर 5 तिहाई 15, इसमें आता 4 तिहाई 12 और इधर 5 तिहाई 15। दोनों तो मिल गया, नीचे हर बराबर तो हो गए, लेकिन इधर जो है 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही आती है संख्या, वो है 11। तो हमको स्कोर करने के लिए हम इसमें ऐसा करना है जिससे कि जो है हमको 5 से 5 नंबर मिल जाए, 5 रेशनल नंबर। तो हम 4 से गुणा करते हैं और इधर भी हम 4 से गुणा करते हैं, तो इधर 10 चौक 40 बटे और 15 चौक 60, इसमें भी 12 चौक 48 और इधर 60। तो हमको 40 और 48 के बीच में संख्याएं मिल जाएंगी, तो आता है क्या, 41/60, 42/60, 43/60, ऐसे करके जो है हमको आगे भी हमको 47/7 तक हम ले सकते हैं, 46/7 लिख लेते हैं इधर 60, इसके अंदर भी हमको, लेकिन हमको 5 ही चाहिए, हम 5 कोई भी लिख सकते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, इसके बीच में भी हमको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इसके हर को समान कर लेते हैं और इधर गुणा कर लेते हैं। इसके बाद जो 2 दिया गया इसमें आ जाएगा 2/2, और जो 3 है इसमें 3/3, गुणा कर लेते हैं, 3 3 का 9 और इधर 3 2 6, इसमें 3 2 6 और 5 2 10, ये हमारा आ जाएगा। अब हम -9 और 10 के बीच में हमको 5 डेसिमल नंबर मिल जाएगा, इसलिए इसको डबल या ट्रिपल और किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर लिख लेंगे -8/6, -7/6, -5/6, -6/6, कोई भी हम इसके अंदर जो भी आते हैं सबको हम लिख लेंगे। तो इसको काटेंगे तो -1 ही हो जाएगा, तो हम -1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, -5/6, -4/6, इस तरह करके हम इसके आगे हमको लिखना, अगर हो ज़्यादा नंबर निकालने के लिए है तो हम इधर 9/6 तक हम इसको निकाल सकते हैं, इतना तक हम इसको, 5 चाहिए तो हमारे 1 2 3 4 5 कोई भी 5 ले सकते हैं। अभी उसके आगे है तीसरा, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर है ज्ञात करने हैं, परिमेय संख्या, तो 1/4 और 1/2। अब इसमें हम इससे गुणा करेंगे 2/2 से, और इसमें जो है हम 4 से गुणा करेंगे, 4/4 से, 2 1 2, 4 2 8, इसमें 4 1 4 और 4 2 8। अभी हमको 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या मिलती है 3, अभी हमको लेकिन 5 चाहिए, तो इसके लिए हमको ऐसा करना है, अगर हम 2 से गुणा करते हैं 2 2 4 और 4 2 8, तो हमको सिर्फ जो है 5 6 और 7 ही मिलता, इसलिए हम इसको 3 3 से गुणा कर रहे हैं, गुणा कर लेते हैं आगे, 3 2 6, 8 3 24, 4 3 12 और 8 3 24। अब हमको 6 और 12 के बीच में जो है हमको 5 रेशनल नंबर मिल गए, वो है 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, 1 2 3 4 5, 5 हमको रेशन नंबर ज्ञात करने थे, 5 हमको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर > -2। ऐसे जो ऐसे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि -2 से बड़ी हों, तो -2 से बड़ी करने के लिए कोई भी हम पॉजिटिव हम जो है रेशन नंबर लिख सकते हैं, तो जैसे 1/2, 3/3, 3/4, 5/3, जो भी हम लिखना चाहें से हम माइनस में भी लिख सकते हैं, -1/2, ये जो है हमारे -1 से बड़ा है, 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, तो -2 से ये सब बड़े हैं, ये हमारा 5 रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हैं उसके आगे 7 क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर > 3/5 एंड 3/4। 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3/5 और 3/4 के बीच में, तो सबसे पहले इसके हर को हम समान कर लेते हैं 3/4, इसमें 4 से गुणा हो जाएगा और इसमें 5 से, ये 5 से इसमें और 4 से इसमें,
चार तिहाई 12 और पाँच चौक 20, पाँच तिहाई 15, पाँच चौक 20, हर तो समान हो गया, लेकिन हमको 12 और 15 के बीच में सिर्फ दो ही संख्याएं मिल रही हैं, 13 और 14। तो हमको ऐसा करना है जिससे हमको 10 संख्याएं मिल जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे 7 से गुणा कर लें चाहे 8 से, 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 और इधर भी 7, 7 और 7 गुणा कर लेते हैं, 12 सत्ते 84 और इधर 140, इधर भी कर लेंगे 105, 15 सत्ते 105 और इधर 140। अब हमको 84 और 105 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं, जैसे 85/140, 86/140, ऐसे करके हम 87/140, ऐसे जो है हमको 10 निकालना है। तो 104 तक हम 140 करके एक सौ हम या इसके बीच में हमको 10 मिल जाएगा, 104 तक हम लिख सकते हैं। ऐसे ही करके हम परिमेय संख्या निकालने हैं निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो है हमको इसके हर को समान कर लेना है, उसके बाद ही हमको ये करना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर लें, जिससे हम जितने भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।